नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी आरपीकेपी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सड़क पर उतरी पुलिस, चप्पे चप्पे पर रहा पहरा। सिंगौड़ी, टीकर, गोइंदरा, जोबीकला, खमतरा आदि ग्रामों से एक गिरफ्तारी और 60 स्थायी वारंटियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेशों के परिपालन में अपराधियों, फरार आरोपियों, वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में कॉम्बिंग गश्त पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में एसपी अभिजीत कुमार रंजन के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया व एसडीओपी विजय राघवगढ़ केपी सिंह के मार्गदर्शन में विजय राघवगढ़ थाना प्रभारी रितेश शर्मा द्वारा पुलिस स्टाफ के साथ कॉम्बिंग गश्त की गई। इस दौरान निगरानी शुदा बदमाशों को चेक किया गया तो वहीं वारंटियों की गिरफ्तारी भी की गई। थाना प्रभारी रितेश शर्मा ने बताया कि एक गिरफ्तारी वारंटी जोबीकला निवासी सागर कोल पिता राजेंद्र कोल सहित, सिंगौड़ी निवासी विजय प्रजापति पिता शिव प्रसाद प्रजापति, टीकर निवासी हरि पटेल पिता निरंजन पटेल, गोंद्रा निवासी विजय कोल पिता वाल्मीकि कोल, टीकर निवासी सोमचंद पटेल पिता कुंजीलाल पटेल, सिंगौड़ी निवासी राम सुजान उर्फ सेरा पिता सुंदर साहू, खमतरा निवासी राजेंद्र सिंह राजपूत आदि सहित 7 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करके उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से आपराधिक तत्वों में हड़कंप की स्थिति निर्मित रही।